चार लोकसभा और 10 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के जो नतीजे देखने को मिले हैं, उन्हें बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं कहा जा सकता। इन उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्ष का दांव सफल रहा। खास तौर पर बात यूपी की जाए तो यहां के नतीजे तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित होंगे। यूपी में फूलपुर और गोरखपुर जैसी अहम सीटें गंवाने के बाद कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा सीट भी हाथ से निकल गई। बीजेपी का ये हाल तब है जब पिछले साल ही यहाँ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सारी विपक्षी पार्टियों को धूल चटा दी थी। 2014 लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष का सफाया कर दिया था, लेकिन गोरखपुर और फूलपुर में एसपी बीएसपी के गठबंधन ने बीजेपी की सारी रणनीति को पानी पिला दिया। बुआ भतीजे के इस गठबंधन ने बीजेपी के गढ़ में सेंध मार दी। यही नहीं, पिछली बार कैराना में 3 लाख वोट से बीजेपी उम्मीदवार हुकुम सिंह की सीट को उनकी बेटी मृगांका सिंह भी नहीं बचा पाई। यहाँ भी विपक्ष की एकजुटता का जबरदस्त फायदा देखने को मिला। मृगांका सिंह के समर्थन में योगी ने जी जान लगा दिया था। मतदान से महज एक दिन पहले खुद पीएम मोदी कैराना के नजदीक बागपत में एक बहुत बड़ी रैली करने पहुँचे थे। यही नहीं, जिस दिन कैराना में वोटिंग हो रही थी उस दिन पीएम मोदी उज्ज्वला योजना के फायदे गिनाते हुए मुस्लिम महिलाओं से नमो ऐप के जरिए बात कर रहे थे। लेकिन बीजेपी की ये तमाम चालें धरी की धरी रह गईं। इन उपचुनावों के बाद तो ये साबित हो गया है कि अगर 2019 में महागठबंधन एक साथ आ गया तो बीजेपी के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। जाहिर है चुनौती बहुत बड़ी है और पार्टी को इसकी काट के लिए नए तरीके से रणनीति तैयार करनी होगी।